ऑफ वॉटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इंटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर 10^5 पास्कल वाला द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इक्वल्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2256 जूल पर ग्राम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भाई हम तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जानते हैं तो उसको लिख लिया। अब उसके बाद आपसे कहा गया कि पहले वॉल्यूम वाटर जब था तो छोटा सा वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, फिर जब वो वाटर वेपर बन गया तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया उसका और हो गया 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए जो स्टेट चेंज होगा, यानी कि वाटर से ये गैस में चेंज हो गया है, यानी वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो गया है, इसके लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई ही डेल्टा क्यू है, क्यू इज इक्वल टू ML होता है, तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है तो कुछ ना करो, डेल्टा यू बना रहने दो। डेल्टा W क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अरे इंटीग्रेशन सर पसंद नहीं आ रहा है तो चलो ये ना करो, इंटीग्रेशन ना लगाओ भाई, P इंटू डेल्टा V ये कर सकते हो। P को PATM लिख लो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डेल्टा V को V2 माइनस V1 लिख लो, बस अपना काम बन गया यहाँ पे। अब ध्यान देना, आंसर जो है हमारे वो सारे जूल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पूरा काम करना है। एम आपको ग्राम में दिया गया है और एल आपको जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, तो क्यों ना सारी यूनिट के साथ लिखें, 1 ग्राम इंटू 2256 जूल पर ग्राम। तो यार ये तो श्योर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में जूल आ रहा है, राइट हैंड साइड में डेल्टा यू हमें निकालना है, ये जूल में, तो ये जूल में अपने आप आ जाएगा अगर ये पूरा जूल में है। तो PATM SI यूनिट है, पास्कल में है, 10^5 लगाएंगे, बट वॉल्यूम हम लोग अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लगा के चले गए, इतना कर दिया रुक गए और सॉल्व करने लगे तो गलत हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब, ये तो पता ही होगा यार, अगर नहीं पता है तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ये होता है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो ये होता है। अब ये 10^-2 मीटर इंटू 10^-2 मीटर इंटू 10^-2 मीटर ये हो गया 10^-6 मीटर क्यूब। ये सब बहुत लोग को पता होता है और आपको भी पता ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये 1671 को हमने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लाया तो ये फैक्टर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये आ गया 2256, ये आ गया डेल्टा यू, ये आ गया 10^-1 1670। तो 10^-1 क्या करेगा, इसके एक जीरो को खत्म कर देगा, तो बस आपका आ गया क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू 2256 माइनस 167। भाई कितना आया आपका, ये 2089। ये जूल में आया था, SI यूनिट में किया तो ये भी जूल में आ गया, अपना काम बन गया। यहां पे पूरा अच्छे से यूनिट लिखते तो 10^5 पास्कल लिखते और 10^-6 मल्टीप्लाइड करने की वजह से सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग मीटर क्यूब में पहुंच गए। अब ये पास्कल इंटू मीटर क्यूब अगर हो जाएगा तो ये जूल बन जाएगा, ये जूल में था ही है ना, तो डेल्टा यू अपने आप अपना जूल में आ जाएगा।